नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो कि आपके भविष्य के द्वार खोलेगी, भविष्य को संवारेगी भी और साथ ही आपका नुकसान होने से भी बचाएगी। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जो है उत्तर भारत के पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दो महत्वपूर्ण ज़िले जिनमें अक्टूबर के प्रथम हफ्ते में ही आलू मार्केट में आना शुरू हो जाता है, यानी खुदाई शुरू हो जाती है और जो है दीपावली के आसपास चलता रहता है। तो ऐसे में ये जो फसल है, ये दो महीने की फसल है और इसका जो प्रभाव है वो कितना इस बार जो है पड़ने वाला है आपके आलू की कीमतों पर। क्योंकि इस समय पर दक्षिण में हसन की फसल भरपूर मात्रा में चल रही है, राशन का आलू खुदाई शुरू हो गई है। ऐसे में ज़्यादातर मंडियां जो है राशन के आलू से ही, यानी कि होशियारपुर के आलू से ही अटी बढ़ी हैं। इधर जो है मंचर भी तैयार है, छत्तीसगढ़ भी तैयार है, लगभग 10-15-20 दिन या जो एक महीना, इसके बाद में मंचर शुरू हो जाएगी, छत्तीसगढ़, यानी कि विभिन्न प्रकार की फसलें जो है आना शुरू हो जाएंगी, जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेंगी। तो ऐसे में अब बात करेंगे हम ऊना होशियारपुर के बारे में, क्योंकि ऊना होशियारपुर एक उत्तर भारत में दो ऐसे महत्वपूर्ण ज़िले हैं। यहाँ पर साल में सबसे पहले, यानी कि साल में सबसे पहले उत्तर भारत की मंडी, आजादपुर मंडी, उत्तर प्रदेश की विभिन्न ज़िलों की मंडी, राजस्थान की मंडी, हरियाणा की मंडी, मध्य प्रदेश की मंडी, यहाँ तक कि गुजरात की मंडी तक आलू जो है पहुँच जाता है। तो ऐसे में इधर हसन है, इधर जो है ऊना होशियारपुर अब जो है 2 महीने बाद शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में इस बार हसन के बारे के बाद में बात करेंगे, क्योंकि हसन तो चल ही रहा है, इसमें क्या बात करना है। बात करेंगे हम ऊना होशियारपुर के बारे में, तो आपको आज एक्यूरेट जानकारी मिलने वाली है। निवेदन आपसे यही रहेगा, सच्चाई स्वीकारिए, क्योंकि साल भर में जुलाई के महीने से स्टार्ट होने वाली 34 फसलें हैं जो कि आपके खुदाई के समय तक चलती रहती हैं। तो ऊना होशियारपुर में क्या स्थिति है, चलिए नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, जो मौसमी गतिविधियाँ में चेंज हुआ है, जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, क्लाइमेट पर एक्सचेंज हुआ है, उसका कितना असर जो है आलू पर पड़ने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं ऊना होशियारपुर में कितने प्रतिशत, यानी कितने हेक्टेयर पर आलू की बिजाई इस बार वर्ष 2023 में किसानों द्वारा की जा रही है, और जो कि हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा जानकारी एकत्रित की गई है। किसानों के विभिन्न जो समूह हैं FPO के माध्यम से भी ये जानकारी एकत्रित की गई है, जो आप लोगों के बीच में हमारे द्वारा शेयर की जा रही है। किसान साथियों, होशियारपुर ज़िले, यानी कि हम पंजाब के होशियारपुर ज़िले की बात करेंगे, यहाँ वर्ष 2023 में, यानी इस वर्ष 42,000 एकड़ में आलू की फसल जो है किसानों द्वारा लगाई जा रही है, जो कि 60 दिन में आलू जो है तैयार हो जाता है। सब्जियों के राजा आलू की बिजाई होशियारपुर ज़िले में 18 से 20 अगस्त के बीच में शुरू होगी। इसके लिए किसान अभी से खेतों की तैयारी में जुटे हुए हैं। यह फसल करीब 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। पंजाब के होशियारपुर ज़िले में करीब 42,000 एकड़ भूमि पर इसकी इस बार जो है किसानों द्वारा बिजाई की जा रही है। किसान इस बार पुखराज और 2708 बीज को ज़्यादा महत्वता दे रहे हैं, क्योंकि किसानों का ये कहना है और किसान संगठन यानी FPO का कहना है कि इसकी पैदावार इतनी अच्छी है और इस बार जो है बीज सस्ता होने से बिजाई के शुरुआती दौर में प्रति एकड़, अगर हम प्रति एकड़ की बात करें तो 25,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, यानी कि आप समझ लीजिए 25,000 रुपये प्रति एकड़ की दर पर ये खर्च हो रहा है। अब इस समय पर मौसम जो है साफ होने की वजह से ज़िले में किसान जो है खेतों की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करेंगे ऊना की, तो ऊना ज़िले में आलू की बिजाई कार्य जो है 22 से 25 अगस्त के बीच में शुरू होगा। ज़िले में बीते दिनों किसानों और FPO के माध्यम से बताया गया कि ऊना ज़िले में बीते कई दिनों से बारिश के बाद आज मंगलवार को मौसम जो है साफ हो गया है। धूप खिलने के बाद किसान आलू की बिजाई के लिए खेत तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस साल ऊना ज़िले में 2200 हेक्टेयर यानी 2200 हेक्टेयर ज़मीन पर आलू की दो माह वाली फसल लगाई जाएगी, क्योंकि इधर जो है मक्का और धान की फसल में कोई अच्छा मुनाफा नहीं होने से किसान हताश हैं। किसानों को इस बार आलू की फसल से काफ़ी उम्मीदें भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि आलू की फसल फ़ायदेमंद फसल है, इसे नकदी फसल भी कहा जाता है, ऐसा किसानों का इस बार कहना है। ज़िले में पिछले साल के मुकाबले आलू की बिजाई करने वालों की संख्या में दोगुना तक बढ़ोतरी भी हुई है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि बीते इस सालों में, यानी कि जो 2022, 2021, 2019, 2018 किसान मक्का करते थे, धान करते थे, तो वहाँ पर जो है फसल मुनाफा नहीं दे पाई। किसानों के लिए ही एकमात्र आलू का ही विकल्प बचा है।
ऊना क्षेत्र में आलू की फसल लगाने के लिए मौसमिक परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो चुकी हैं। क्षेत्र में बड़े स्तर पर, ऊना जिले में बड़े स्तर पर इस बार आलू लगाया जा रहा है। किसान जो है खेत की तैयारी कर रहे हैं और 18-20 तारीख से होशियारपुर और 20 से 25 तारीख के बीच में ऊना में बुवाई कार्य जो है शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अब किसानों को एक ही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, किस तरीके से जो है हम जो है धान की और मक्का की फसल जो बर्बाद होती और कई सालों से हमें मक्का और धान के अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे, तो इस बार जो है आलू की फसल में ही क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। और इसमें इस बार जो है डबल यानी कि 2 गुना किसानों का रुझान हुआ है और इसके जो क्षेत्रफल में भी इस बार जो है ऊना और होशियारपुर दोनों ही जिलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीज भी कोल्ड स्टोरेज से निकलकर खेतों किसानों के पास पहुंच गए, ट्रीट दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं पहले अनुमानित 18-20 तारीख से है, कहीं 2 दिन पहले यानी कि 17 से बो दें या 16 से बो दें, कल से बो दें, क्योंकि ऐसा ही एक रुझान किसानों के बीच में होता है पहले बुवाई। मौसम बिल्कुल अनुकूल है क्योंकि उसके लिए मौसम के लिए जो आलू की बुवाई के लिए मौसम चाहिए वो चाहिए 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस समय पर ऊना और होशियार जिले में 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच गया। तो ऐसे में ये आलू की फसल के लिए काफ़ी अनुकूल है। तो ऐसे में ये जानकारी आप लोगों के लिए पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आने वाला समय में ऊना होशियारपुर जो है कई लोग आप लोगों को हसन के नाम पर धमकाते दे रहे थे, डराते रहे थे कि हसन में तो जीरा लगा है, हसन में तो हल्दी लगी है, हसन में लहसुन लगा है, हसन में अदरक लगा है, 1.25 लाख पैकेट लगे हैं, 25% लगा है। अगर यही स्थिति अगर 1.25 लाख की या 25% ही लगी होती तो किसान साथियों आज जो है 20 दिन हो गए हसन की फसल को चलते हुए, ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ख़त्म होगा तब ना, क्योंकि आप लोगों को झूठ बोला गया था। इसी वजह से मैं आप लोगों को बिल्कुल सच्चाई एक्यूरेट जानकारी देता हूँ ज़मीन से उखाड़ कर, और इसी बात का मैं बुरा हूँ, क्योंकि सच्चाई कहने वाला हमेशा बुरा होता है। क्योंकि हमने आप लोगों को जून में एक बात कही थी जब 700 रुपये पैकेट के दाम चल रहे थे, किसान साथियों निकालिए, किसान साथियों निकालिए, लेकिन कई लोगों ने आप लोगों को हमारे प्रति भड़काया और कहा कि मैं किसान हितैषी हूँ और जो है जो 700 650 की दाम की कह रहे हैं वो किसानों के दुश्मन हैं। तो ऐसे में आप लोगों को 800 और 1000 रुपये के सपने दिखाए इन लोगों ने, और उसके बाद में क्या स्थितियाँ हुई ये किसी से छुपा नहीं है, और आने वाले समय में क्या स्थितियाँ होने वाली हैं ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में सबसे पहले आप लोगों को मैंने ही बताया था 9.5 लाख पैकेट सेम ईयर की तरह ही हसन में लगाए, और इस बार भी मैं आपको ऊना होशियारपुर की एक्यूरेट रिपोर्ट दे रहा हूँ, इससे कहीं आपको 19-20 नहीं मिलेगा। ये परिस्थितियाँ, ये स्थितियाँ मैंने आपके लिए आज क्लियर कर दिया कि ऊना होशियारपुर में इतने हेक्टेयर पर, इतनी एकड़ पर, इतने किसानों द्वारा इस बार आलू की बुवाई की जा रही है, धान और मक्का की फसल में अच्छा लाभ नहीं मिलने की वजह से, बरसात की वजह से भी तबाह हुई है। तो ऐसे में अब किसानों का रुझान जो है आलू की बिजाई पर है और लगभग 18-20 तारीख से बुवाई शुरू हो जाएगी। तो ये 2 महीने की फसल है, नोट कर लीजिएगा, 18 तारीख से अगर बिजाई शुरू हो रही है तो 18 सितंबर, और समझ दीजिएगा जिस समय पर आप अपने आलू की बिजाई कर रहे होंगे ये आलू जो है ऊना और होशियारपुर का मार्केट में आ चुका होगा, उससे पहले मंचर है, तमाम ऐसी फसलें हैं जो आती रहेंगी। तो बहरहाल वीडियो में इतना ही, रेगुलर सच्चाई जानने के लिए ज़मीनी स्तर से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सभी दोस्तों को बताइएगा कि ऊना होशियारपुर ज़िले में इस बार इतने हेक्टेयर भूमि पर आलू की फसल लगने वाली है, इस वजह से आप सचेत रहिए, किसी की बातों में मत आइए, और जो भी कहते हैं बुद्धि विवेक से काम लीजिए, वो उनका बुद्धि विवेक घास चरने जा रहा है, बाद बाकी आप लोगों का मैं किसी पर विश्वास मत कीजिए। बहरहाल मेरे साथ में वीडियो में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।